Hi guys, welcome back, and this is polynomials series going on, and today we'll solve level 2 part 1, or isme we'll solve 5 questions. So let's see what the question says. So question kya bol rahi ki, when x to the power 40 plus 2 is divided by x to the power 4 plus 1, what is the remainder? हमें पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर फैक्टर से किसी को डिवाइड करना होगा, कोई पर्टिकुलर से, सपोज करिए कि यहाँ पर अगर हमें x माइनस ए देना, तो हम क्या करते, डायरेक्टली f ऑफ a निकाल लेते और x की जगह पे a पुट कर देते, ठीक है. बट यहाँ पे क्या है कि हमें x टू द पावर 4 प्लस 1 से दिया, तो यहाँ पे हम लोग x तो नहीं निकाल पाएंगे 0 से इक्वेट करके. तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो, मतलब जो सबसे पहले आता है माइंड में कि जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कि x टू द पावर 4 प्लस 1 को हम लोग 0 के इक्वेट, सबसे पहले हम लोग कुछ भी करेंगे वो 0 के इक्वेट करेंगे. जैसे ही हमने 0 के इक्वेट किया तो ये क्या आ गया, x टू द पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 1. हम लोग x नहीं पुट कर सकते, बट x टू द पावर 4 की वैल्यू तो माइनस 1 पुट कर सकते हैं ना. तो हम लोग यही काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग x टू द पावर 4 की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे. और x टू द पावर 40 प्लस 2 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 की पावर में 10 और फिर प्लस 2, ये तो लिख सकते हैं. अब x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 की पावर 10 प्लस 2. अब माइनस 1 टू द पावर इवन गिव्स 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3, सो द रिमाइंडर विल बी 3. आप x की वैल्यू पुट करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको x की वैल्यू नहीं पता है, तो जो पता है हम लोग उससे काम निकाल रहे हैं. तो जब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि x पावर 4 है, उसको हम लोग माइनस 1 मान ले रहे हैं. माइनस 1 मानने से क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता था x की पावर 5 प्लस 1 से पूछता, तो उससे हम लोग x की पावर 5 को माइनस 1 पुट करते. अगर ऐसा होता है कि x की पावर 3 पूछता, तो इन दैट केस क्या होता, अगर x की पावर 3 हमें प्रोवाइडेड होता तो x की पावर 3 में प्रॉब्लम क्या है कि x की पावर 3 अगर आप पुट करोगे तो वो 39 तक जाएगा, मतलब एक x आपका रिमेनिंग हो जाएगा. इन दैट केस आपको रिमाइंडर में जरूर कहीं ना कहीं x की ऑप्शंस रहते अगर आपको x की पावर 3 पुट करने बोलता. सो अगर आगे एग्जांपल्स में, अगर आगे इस क्वेश्चन में मिलता तो विल डेफिनेटली सॉल्व एंड लेट यू नो हाउ दैट गोज ऑन. सो दिस वॉज इट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन. तो हमने सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हम एफ एक्स मान लेंगे. सो एफ एक्स इज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स टू द पावर 1007 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1. सो एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है, मतलब x माइनस 1 को अगर मैं 0 ले लू तो x इक्वल्स टू 1. तो x इक्वल्स टू 1 मतलब f ऑफ 1 जो आएगा दैट विल बी माय रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1. तो जब हम x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो f ऑफ 1 जो होगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. तो वो क्या होगा, 1 प्लस यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और ये कितनी बार है, 1, मतलब 1007 यहाँ x पावर 1 है. और अगर मैं इसे x पावर 0 मान लू तो टोटल ये जो आएगा ये 1008 टाइम्स आएगा, क्योंकि 1000 से 1007. तो 1007 यहाँ से हमें मिल गया ऐड करने के बाद, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में 1007, और इसकी वजह से एक एट और 1 मिलेगा, मतलब 1008. So this will be our remainder when this expression is divided by x minus 1. So it was pretty easy question to solve. Don't you think so? So let's move on to the example. Let's move on to the question 3 now. So this is question number 3. Question kya bol rahe ki, ek polynomial hai humare paas. Kuch aisa, jise hum maan lete hain f of x. x to the power 5 plus q x to the power 4 minus x square minus x minus 3. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x पावर 4 माइनस 1 से. तो x पावर 4 माइनस
1 से डिवाइड करना, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट तो डिवाइड कर नहीं सकते, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे एक्स पावर 4 की वैल्यू अगर 1 पुट हम करेंगे भी तो सिर्फ यहाँ पुट कर पाएंगे, यहाँ और यहाँ, बाकी जगह पे नहीं पुट कर पाएंगे। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के, और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एक्स के टर्म में तो चाहिए नहीं। मतलब अब जब हमें इससे डिवाइड करना है एक्स पावर 4 माइनस 1 से, तो व्हाट वी विल डू, इसके ही हम लोग फैक्टर कर देंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो विच विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइन, अब क्या कर सकते हैं, वापस से क्योंकि ये भी हम लोग को ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर को भी जब मैं माइनस 1 पुट करूंगी यहाँ पे तो कुछ में तो फायदा देगा, बट कुछ जगहों पे वी विल बी लेफ्ट आउट विद एक्स विच वी डोंट वॉन्ट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये दोनों से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सो इसे बोल दिया है कि ये डिविजिबल है, मतलब मैं किसी भी से डिवाइड करूंगी तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, सीओ। तो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, जब मैं 1 पुट करूंगी तो एफ ऑफ 1 क्या आएगी, 0। अब मैं 1 पुट करती हूं, ये आ गई 0, मतलब यहां से क्या मिली हमें, P प्लस क्यू की जो वैल्यू मिलेगी, ये एक वन चला गया विच इज माइनस 4 एंड विल गेट 4। ओके, सिमिलरली जब मैं इससे करूंगी विच इज एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, सो व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एफ ऑफ माइनस 1 कितनी मिलेगी हमें, इसे पुट करके देखते हैं, माइनस 1 टू दी पावर 6 इज 1, माइनस 1 टू दी पावर 5 इज माइनस 1, माइनस 1 टू दी पावर 4 इज 1, अगेन 1 एंड 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये तो डिवाइड कर रही है, तो यहां से हमें क्या मिल गई, q माइनस p, ये 1 और 1 कट गया, माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि q माइनस p इज इक्वल्स टू 2। 2 मिल गई हमें, अब हम इसको और इसके हेल्प से पुट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू यहां से क्या आएगी हमारे पास, 2 प्लस p। ठीक है, अब इसको यहां ले जाके पुट कर दो, मतलब क्यू की वैल्यू 2 प्लस पी, यानी 2 प्लस पी प्लस पी की वैल्यू क्या आ गई, 4, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई, 2, यानी पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम लोग निकालेंगे क्यू की वैल्यू, सो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2 प्लस पी, यानी कि 2 प्लस 1 विच इज 3। अब हमें पूछा गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने का मतलब हो गया 1 प्लस 9 विच इज 10, सो द आंसर विल बी 10। ओके, इट वाज इजी क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसे मैं एफ ऑफ एक्स मान सकती हूँ, तो ये क्या, एक्स टू दी पावर 19 प्लस एक्स टू दी पावर 17 प्लस एक्स टू दी पावर 13 प्लस एक्स टू दी पावर 11 प्लस एक्स टू दी पावर 7 5 एंड एक्स टू दी पावर 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जब डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 पुट करूंगी, एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जब भी हम लोग कुछ डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे डिग्री छोटा आता है, मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ एक्स स्क्वायर के पॉलिनोमियल से और बेटे टू से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो या तो एक्स के टर्म में आएगा या तो कॉन्स्टेंट के टर्म में आएगा, मतलब या तो कुछ ऐसे होंगे ए एक्स प्लस बी टाइप या फिर ओनली बी टाइप, दो ही रिमाइंडर आ सकता है, तो इसकी वजह से बी तो पहले ही कैंसिल हो गया कि b तो कभी नहीं होने वाला है क्योंकि इसकी डिग्री इक्वल है इसके। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 इसमें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स की पावर 19 है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर की पावर 9, 9 टू जा 18 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर की पावर 8 इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स
या फिर मैं इतना ज्यादा लिखने से अच्छा मैं एक्स कॉमन ही निकाल लूं ताकि सारे स्क्वायर्स नहीं बचे। जैसे ही मैं एक्स कॉमन निकालूंगी बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 18 प्लस एक्स टू द पावर 16 प्लस एक्स टू द पावर 12 प्लस एक्स टू द पावर 10 एक्स टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, तो एक्स को छोड़ देते हैं। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9, -1 की पावर 8, -1 की पावर 6, -1 की पावर 5, -1 की पावर 3, -1 स्क्वायर एंड -1। समझ गए क्यों हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जिसकी वजह से ये आया। इसको लिखेंगे एक्स क्यूब का क्यूब स्क्वायर, जो कि ये देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर का पावर 5, एक्स स्क्वायर का पावर 6, एक्स स्क्वायर का पावर 8 एंड एक्स स्क्वायर की पावर 9। तो कुछ ऐसा दे दिया हमें। अब यहां से हम तोड़ते हैं, तो ये -1 की पावर 9 -1, ये 1, फिर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हमें -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे +1 एंड -1। माय गॉड, सबको कैंसिल अप करते हैं, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ एक्स। सो आवर आंसर विल बी सी। तो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप का विल सॉल्व। सो दिस मीन्स कि अगर हमें कोई वैल्यू दिया हो तो उसका हम लोग रिमाइंडर निकालना हो, तो हम लोग उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने गिवन पॉलीनोमियल में। तो फिर हमें जो मिलता है वो इधर एक्स के टर्म में हो सकता है, अगर मैं इसे बड़ा करती तो हो सकता है एक्स स्क्वायर का भी टर्म बच जाता, बट फिलहाल हमें एक्स का टर्म मिला, इसलिए हमारा ये वाला जो था ऑप्शन ये पहले ही डिस्कार्ड हो गया था। सो दिस इज द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 ऑफ लेवल 2 एंड द क्वेश्चन सेज इफ एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सो अगर मैं इसे एफ एक्स मान ही लू, विच इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 22, तो फिर अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम से एफ ऑफ वन हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो, यानी कि ए प्लस बी माइनस 36 प्लस 22 इज इक्वल टू जीरो। फाइन, नेक्स्ट ए प्लस बी माइनस 14 इक्वल टू जीरो, और वी कैन सी दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 14। आई होप आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट, बट ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हमने इस टाइप को बहुत ज्यादा सॉल्व कर लिए। तो x माइनस 1 को हमने डायरेक्टली पुट कर दिया इसमें, मतलब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिया, x इक्वल्स टू 1 आया, और ये फैक्टर दिया हुआ इसका मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, हमने उसमें पुट किया वी राइट दिस। इसके बाद हमें क्या मिला है, ये एक दी गई है विच इज 2 की पावर b इज इक्वल्स टू 64 की पावर a। 64 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये आएगी 32, 2, 16, 2, 8, 2, 2 एंड 2, विच इज 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ कुछ ऐसा, यहां से मिल जाएगी हमें, और जब ऐसा कुछ आता है तो ये दोनों इक्वल हो जाता है, b इक्वल टू 6 है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी b की वैल्यू 6 है तो हमें मिल जाएगी 14। सो 7a इज इक्वल टू 14 और a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें मिल गई 2, यहां से हमें निकालनी होगी b की वैल्यू विच इज 6 टाइम्स 2 विच इज 12 एंड दैट इज आवर आंसर। सो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, वी आर आस्क्ड टू फाइंड दैट ओनली। नाउ दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस। And I hope you like this video. If you like it, give it a thumbs up and subscribe to the channel and click that notification bell so that you never miss any upload. Thanks for watching.